गुड मॉर्निंग एवरीवन. बच्चों हम चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. टर्न योर बुक्स नोटबुक्स. तो हम एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हैं कि उनमें कौन कौन से एनिमल जो है में टिश्यूज पाए जाते हैं. तो बच्चों टोटल 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज हैं. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो लास्ट क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था जिसमें हमने एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और डिफरेंट फाइबर्स टिश्यू को पढ़ा था. अब लेते हैं स्पेशल टिश्यू. स्पेशल टिश्यू में है स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू जो है वो हमारे शरीर के स्केलेटन को बनाते हैं, हमें फ्रेम करते हैं, हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. तो ये 2 टाइप के हैं. एक तो है कार्टिलेज जो मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, और बोन. आज हम बोन पढ़ेंगे. कार्टिलेज जो है बच्चों आपके ईयर पिन्ना में, आपके नोज में, आपके जो वर्टेब्रल कॉलम है उनके बीच में पाए जाते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉन्ट्रीन सल्फेट जो है उनके बने होते हैं मैट्रिक्स के. ठीक है, इनकी जो सेल्स है इन्हें हम कोंड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ. आज अपन बोन स्टार्ट करेंगे. बोन जो है बच्चों वो हार्ड होता है ना. बोन जो है हार्ड है, हार्ड स्केलेटल टिश्यू है. ये हमारे लिम्फ के अंदर, हमारे रिब्स के अंदर, सभी जगह पाया जाता है. हार्ड है ये. ठीक है, और बोन जो है इसमें मिनरल मैटर भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है. ऑर्गेनिक बोन की जो प्रोटीन है इसे हम ओसीन कहते हैं. क्या कहते हैं? ओसीन. ठीक है, तो ये बोन के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन है. जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें हाइल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है. ठीक है बच्चों, इसके अलावा इनमें जो मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट. समझ में आ गई बात आपके? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, तो हम इसको यूं ले लेते हैं. एक तो है ड्राइड बोन और डी कैल्सीफाइड बोन. ड्राइड बोन एंड डी कैल्सीफाइड बोन. ड्राइड बोन क्या है कि जब बोन्स को ड्राई कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है. ठीक है, तो ऐसी बोन को हम क्या कहते हैं? ड्राइड बोन कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्राइड बोन कहते हैं. सेकंड लेते हैं डी कैल्सीफाइड बोन. जब किसी बोन को हम एसिड में डालते हैं, किसमें डालते हैं? एसिड में डालते हैं. तो एसिड में डालने पर क्या होता है कि उसके जो मिनरल्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं. मिनरल्स जो है डिजोल्व हो जाते हैं, पीछे का जो पार्ट है वो बचता है, उसे हम कहते हैं डी कैल्सीफाइड बोन. क्या कहते हैं? डी कैल्सीफाइड बोन. तो आप समझ गए कि बोन के अंदर क्या है. एक तो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसके अलावा ऑसिन प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक पार्ट ही हो गया. ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पाए जाते हैं, ये बोन को बनाने का काम करते हैं. ठीक है, अगर बोन को हम सुखा लेते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक पार्ट टूट जाता है, ड्राई हो जाता है, उसके जो अंदर के पार्ट हैं पीछे खाली मिनरल पार्ट रहता है. ऐसी बोन को कहते हैं ड्राइड बोन. और अगर बोन को हम एसिड में डालते हैं तो एसिड में वो डिजोल्व हो जाता है, तो मिनरल डिजोल्व हो जाते हैं, पीछे जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट है. ऐसी बोन को कहते हैं डी कैल्सीफाइड बोन. एक बोन के अंदर 70-30 का रेशियो रहता है. 70% जो पार्ट है वो मिनरल मैटर होता है. क्या होता है? मिनरल्स होते हैं. और 30% जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एनिमल मैटर जिसे कहते हैं. समझ में आ गई बात आपके? आपके समझ में आई बेटा? तो सबसे पहले अपन डी कैल्सीफाइड बोन ही कर रहे हैं. एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बोन के लिए. बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं.
ये बच्चों जो स्ट्रक्चर है, ये बोन के अंदर के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो अपन अभी मैं जब लेबल करूंगा तो इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक ड्राइड बोन के लिए एक स्केच है जिसमें बताया गया है। तो बोन को, बोन के मटेरियल को बांधने के लिए जो आउटर जो लेयर है, जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम, जो बोन मटेरियल को बांधती है। और जो इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोस्टियम। क्या कहते हैं? एंडोस्टियम कहते हैं। बोन की जो सेल्स है, बोन की सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये बच्चों ये फ्री स्पेस है जिन्हें हम लैक्यूना कहते हैं। और क्योंकि ये इतने सारे एक लाइन के रूप में तो इन्हें हम लैमेली कहते हैं। जब ये सेंट्रलाइज होता है जैसे किस तरीके से है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल होती है, लिम्फ वेसल होती है। समझ में आ गई बात आपके? ब्लड वेसल, लिम्फ वेन्स वगैरह होती है, लिम्फ वेसल भी होती है और नर्व भी होती है इनके अंदर, ठीक है। तो इसे हम हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। और ये अपनी लेटरल साइड की जो कैनाल है उनसे भी कनेक्टेड रहती है। समझ में आ गई बात? जो लेटरल साइड में और वेसल जो होंगी उनसे भी कनेक्ट कैनाल से कनेक्टेड रहती है। जिन कैनाल के द्वारा ये कनेक्टेड रहती है अपने लेटरल पार्ट से उन्हें हम कहते हैं वॉकमैन कैनाल। क्या कहते हैं? वॉकमैन्स कैनाल, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। ये जो पार्ट है ये हेवर्सियन कैनाल का, इनके चारों ओर जो है इस तरीके से और कंसेंट्रिक लेयर। तो ये जो है इन्हें लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। ये बच्चों एक्चुअल में फ्री स्पेस है जहां पर बोन सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बोन सेल पाई जाती है। इनको हम कहते हैं लैक्यूना। क्या कहते हैं?
लेक्यूना, इन फ्री स्पेसेस को जिनमें बोन सेल्स होती हैं, इन्हें हम लेक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्यूना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो फ्री स्पेस है इसे लेक्यूना कहते हैं। इनके अंदर बोन सेल होती है और इनसे ये जो कैनाल्स निकल रही है इन्हें हम कहते हैं कैनेली क्यूली। क्या कहते हैं? कैनेली क्यूली कहते हैं। तो कैनेली क्यूली, लेक्यूना, बोन सेल, हेवर्सियन कैनाल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हेवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेवर्सियन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने बताया है। आउटर जो पार्ट है इसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, पेरिओस्टियम जो है। और इनर जो लाइनिंग है ये एंडोस्टियम कहलाती है, ये भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। बताइए, समझ में आया नहीं आया? आ गया बच्चों? तो ये ठीक है, चले आगे, आगे बढ़े। तो ये तो मैंने बनाया है डायग्राम, तो वैसे ड्राइड बोन के लिए बनाया है ना। डी कैल्सिफाइड बोन क्या है? आपको पता चल गया कि जब उसको अपन एसिड में डालते हैं तो उसके मिनरल जो पार्ट है वो डिजोल्व हो जाता है, मिनरल्स का पार्ट, और पीछे जो पार्ट है उसे हम डी कैल्सिफाइड बोन कहते हैं। और ड्राइड बोन के अंदर क्या होता है? ड्राइड बोन के अंदर ये जो लेक्यूना, हेवर्सियन कैनाल, ये सब जो भी है ना, कैनेली के लिए, ये सब ड्राई हो जाते हैं, ये सारे के सारे ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं एक एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बोन के लिए, फिर अपन बोन मैरो को देखते हैं क्या है ये। ये बच्चों एक बोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये।
यस बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बोन हड्डी की स्ट्रक्चर है ये। अब बात करें बोन मेरो की। बोन मेरो क्या है? बोन्स के अंदर जो होलो कैविटी है, जो खाली कैविटी है, वहां पर जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। कौन से होते हैं? रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है वो रेटिकुलर टिश्यूज के बने होते हैं। आगे बात समझ में? और रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल्स का, मतलब ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर। समझ में आ गई बात आपके? सेकंड लेते हैं येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो के अंदर फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैटी एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। और इंजरी के समय, ब्लड लॉस के समय ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेड बोन मैरो के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? रेड बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये भी फिर ब्लड की सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। क्लियर हो गई बात आपके? तो ये पॉइंट था बोन मैरो का। यहाँ पर एक लॉन्ग बोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। आउटर जो पार्ट है, जो बोनी पार्ट है, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये अंदर जो मैट्रिक्स है, फ्लूड है, इसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो पार्ट है ये एपिफाइसिस है, और ये बीच का पार्ट है इसे हम शाफ्ट कहते हैं या डायफाइसिस है ये। समझ में आ गई बात? तो इन इन जगहों पर तो ये और ये जो पार्ट है, यहाँ पर रेड बोन मैरो पाया जाता है और इस पार्ट में येलो बोन मैरो पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो मेरे हिसाब से बोन का पार्ट भी आपकी क्लियर है। बहुत सिंपल सा है, डायग्रामेटिक तैयार करना है अपने को। ये चैप्टर हार्ड है लेकिन डायग्रामेटिकली अपन इजी कर सकते हैं इसको। कनेक्टिव टिश्यू इतना ही है, आपको समझ में आया? ठीक है, पिछली क्लासेस का, जैसे कि परसों की क्लास का आज वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप वो जरूर देख लें, ठीक है, पिछले एक दो क्लास का, तो वीडियो देख के आप इससे कनेक्ट कर जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एनिमल टिश्यूज हैं दे आर ऑफ फोर टाइप। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, ऑर्गन्स की आउटर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर है, तो ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। मस्कुलर टिश्यू से हमारी मसल्स बनती है, हमारे हार्ट की मसल्स बनती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स बनती है, हमारे जो पल्मोनरी वेन्स हैं, वेना केवा है, इन सब की जो है लेयर्स बनती है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये तीन प्रकार की मसल्स है। मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, शायद नाइन्थ में भी पढ़ा होगा आपने। फिर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का रोल होता है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना, ठीक है। तो उसमें एरियोलर टिश्यू भी है, एडिपोज टिश्यू भी है, येलो इलास्टिक टिश्यू भी है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू भी है, रेटिकुलर टिश्यूज भी है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमने पढ़ा था स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज के अंदर हमने कार्टिलेज और बोन को समझा। सॉरी बच्चों, मैं ये कह रहा था कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट अभी है ब्लड का। ब्लड भी जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एंड लिम्फ, ये दोनों ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये दोनों ही क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले फटाफट से पहले हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, ब्लड का टॉपिक तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी, आपको मजा आएगा इसमें। ब्लड, यस बच्चों, सभी जो ह्यूमन हैं, मैमल्स हैं, अदर एनिमल भी हैं, इनके अंदर ब्लड पाया जाता है। और ब्लड एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर सेल्स भी होती हैं और अदर कंपोनेंट भी होते हैं। तो ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की डेफिनेशन क्या है? ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दिस वन इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है ब्लड का, वो मीजोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है? मीजोडर्म। समझ में आ गई बात आपकी? चलिए अब मैं ब्लड की कॉम्पोजिशन को समझाने के लिए एक टेबल बना देता हूं। ब्लड यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे अपन, नाइन्थ में आपने थोड़ा सा, क्योंकि वहां ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था ये। ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा
55%, and second is the formed element. Formed element. ठीक है, ये 55% है और ये 45% है. समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है. ब्लड को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक तो है प्लाज्मा जो व्हाइटिश येलोइश पार्ट है, येलोइश एंड व्हाइटिश पार्ट है, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि सेल्स का पार्ट है, 45%. ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं. सबसे पहले लेते हैं वाटर. वाटर जो है 90%. समझ में आ गई बात आपके? सेकंड हम लेते हैं प्रोटीन. प्रोटीन इनमें एल्बुमिन भी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड हम ले लें कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट फोर्थ ले लें मिनरल्स. ठीक है, ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है. पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है. समझ में आई बात आपके? तो बच्चों प्लाज्मा जो पार्ट है जो कि ब्लड सेल्स को हटाने पर जो दिखाई देता है वो येलोइश व्हाइटिश फ्लूड होता है. ठीक है यक्षिता, और ये 55% पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर. कितना परसेंट होता है? 55%. ठीक है, इसके अंदर 90% जो पार्ट है वो पानी है. बाकी बचा हुआ जो 10% पार्ट है उसके अंदर प्रोटीन है जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज वगैरह है. ठीक है, देन फिर मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब प्लाज्मा के अंदर आते हैं. आगे बात समझ में? सेकंड हम लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर ब्लड की सेल्स आती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन शॉर्ट इसे हम आरबीसीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आरबीसीज कहते हैं. ठीक है, और इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. एरिथ्रोसाइट्स. सेकंड लेते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. WBCs. और इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. ठीक है, और थर्ड हम लेते हैं प्लेटलेट. ठीक है बच्चों, तो जो ब्लड का सॉलिड पार्ट जो है वो ब्लड की सेल्स हैं. ब्लड की सेल्स जो है 45% पार्ट बनाती है. ये थ्री टाइप की होती हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और एरिथ्रोसाइट. सेकंड लेते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट. और जो थर्ड जो टाइप है प्लेटलेट का वो है, सॉरी थर्ड जो टाइप है ब्लड सेल का वो है प्लेटलेट. बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया यक्षिता, समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है? ठीक है, अब इसमें एक एक सेल को भी पढ़ेंगे हम. यहाँ थोड़ा डिटेलिंग आ जाएगी, इनकी स्ट्रक्चर को समझेंगे. ठीक है, सिंपल है ये टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है तो जल्दी लर्न भी हो जाता है. चलिए, पीएच कितनी होती है अपेक्षा? ब्लड की पीएच कितनी होती है? हाँ, कैसा होता है? अंजलि, सुमित, 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन. ठीक है, स्लाइटली एल्केलाइन. अब अपन सबसे पहले बात करेंगे रेड ब्लड आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की.
आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ध्यान से देखिए बच्चों, जो आरबीसीज हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। और इसके अलावा जो फीटस है, फीटस के स्प्लीन के अंदर भी होता है, कुछ आरबीसी लीवर में भी बनती है, ठीक है, ये बात है। और आरबीसी जो है इनकी जो शेप है सर्कुलर होती है, इनकी जो आरबीसी की जो शेप है वो सर्कुलर होती है, लेकिन ये बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। ये सरफेस व्यू हो गया, और ये लोग साइड व्यू और बना देते हैं। ठीक है, ये साइड व्यू है, और ये मैं लिख देता हूं, ये साइड व्यू और ये सरफेस व्यू। तो आरबीसी जो है जनरली सर्कुलर होती है और डी न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इनिशियली तो होता है लेकिन जब वो मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, स्पेशली मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है। अब यहां पर मैं नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं, केमल, केमल और इन्हीं जैसा एक और एनिमल है वो है लेमा, ठीक है बच्चों, ये नीट में आ जाता है। केमल और लेमा दोनों ऐसे एनिमल हैं जो है तो मैमल लेकिन इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। इनकी आरबीसी क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल होती है, जबकि हमारे अंदर आरबीसी क्या होती है? सर्कुलर होती है, बाई कॉनकेव होती है, यानी कि अंदर डिप्रेस होती है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये आरबीसी का प्रोडक्शन मेनली बोन मेरो के अंदर होता है, और आरबीसी का जो नंबर है वो 55 लाख पर एमएम क्यूब, ठीक है। हमारा जो पर एमएम क्यूब वॉल्यूम ब्लड का जो हम लेते हैं ना, तो उसके अंदर क्या है कि अगर मैं वुमन मेल की बात करूं 55 लाख आरबीसी होती है। समझ में आ गई बात? और लेडीज के अंदर, महिलाओं के अंदर 45 लाख, कितनी होती है? 45 लाख। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 5.5 मिलियन, और फीमेल्स के अंदर 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है, जो लाइफ है वो 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज, 4 महीने। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है 4 महीने होती है, 120 डेज ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये डिग्रेड हो जाती है, और इसका निपटारा होता है स्प्लीन के अंदर। तो जो स्प्लीन जो पार्ट है हमारे, इस जगह होता है पीछे की ओर, स्प्लीन जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। तो कुछ जो डिस्कार्ड है आरबीसी का वो लीवर के अंदर भी होता है, और लीवर के अंदर होके जो पीछे आपको पता ही है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो लीवर के अंदर जब इसका निपटारा होता है, क्या कहते हैं, डिस्कार्ड होता है, तो जो आयरन वगैरह है वो वापस से यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है ना। वैसे जनरली स्प्लीन के अंदर ज्यादा इसका जो है, इसकी डेथ के बाद में वहां इसका डिस्कार्ड होता है। तो स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है। हाँ बच्चों, जनरली जो सिंगल आरबीसी होती है वो येलो नजर आती है। शिवानी सुनाई दे रहा है आपको? जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में पाई जाने वाली सेल, तो सिंगल वो येलो नजर आती है, लेकिन जब वो ग्रुप में होती है तो हमें रेड अपीयर होती है। कैसी अपीयर होती है? रेड। इनके अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीम कंटेनिंग ग्लोबिन पिगमेंट, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन भी है और हीम भी है, यानी कि आयरन भी है। तो ये ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है, ऑक्सीजन को बांध देता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट होती है। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? तो काफी सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका लाइफ स्पान कितना है, इसकी डेथ होने के बाद डिस्कार्ड कहाँ होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन कैरिंग जो पिगमेंट रखती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? और ये डीन्यूक्लिएटेड है। केमल और लेमा ध्यान रखना, ये दो ऐसे एनिमल है जो कि इनकी आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड है और ओवल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सेकेंड लेते हैं डब्ल्यू बी सी और ल्यूकोसाइट।
ल्यूकोसाइट। हाँ बच्चों, जो WBCs हैं ये भी ब्लड की सेल्स हैं और इनका जो फॉर्मेशन है बोन मेरो में भी होता है, बोन मेरो में भी होता है, थाइमस ग्लैंड में भी होता है। कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में भी होता है। और इनका जो मैच्योरेशन है वो लिम्फ ग्लैंड के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर इनका मैच्योरेशन होता है। जो WBCs हैं ये सिर्फ 8000 पर एम एम क्यूब होती है, अप्रोक्सीमेटली 8000 या 10000 पर एम एम क्यूब होती है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनका साइज थोड़ा लार्ज होता है आरबीसी के कंपेयर में, और ये हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ में आ गई बात आपके? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, या इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इनका जो लाइफ स्पान है 3 से 4 दिन, 3 to 4 days, इनकी जो लाइफ है 3 से 4 दिन ही होती है। समझ में आ गई बात? ये दो टाइप की हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। आज थोड़ा मैं वर्ग भी बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है, फिर कल की क्लास में अपन डायग्राम भी बनाएंगे। ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लिएटेड तो है ये, जैसे कि ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स दो टाइप की हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मेमोरी रखती है किसी भी डिजीज की, और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। और जो मोनोसाइट्स है ये रेस्पॉन्स के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसके अलावा ये एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। तो 11th क्लास ये डायग्राम बना के और टॉपिक इसको एक्सप्लेन करना है तो ये कल ही करेंगे, अपन टाइम बहुत कम बचा है,